हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक अपग्रेडेड वर्जन में फंक्शन है। अब ये अपग्रेडेड वर्जन 2000 कम से कम 21 आपके पास होना चाहिए, तभी ये फंक्शन आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। अब वो फंक्शन क्या है और कैसे यूज करेंगे, आइए अब उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का नाम है, यहां पर आप देख सकते हैं, फिलहाल काम क्या है वो देखते हैं। देखिए ये नेम प्रॉपरली शॉर्टेड नहीं है, पहले ए वाला नाम आना चाहिए फिर बी वाला आना चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं ना कि कितने कैरेक्टर्स आए हुए हैं ये भी हमें दे दे, तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है? तो अगर आप 2007 वगैरह यूज करेंगे तो ऐसा कोई फंक्शन आपको मिलेगा नहीं। तो फिर तो यहां पर 2021 यूज कर रहा हूं, आखिरकार 2021 में क्या खासियत है, क्या इसमें कोई ऐसा फंक्शन मिलेगा, आइए देखते हैं। एक फंक्शन यहां पर होता है शॉर्ट बाई का, तो इज इक्वल टू का निशान लगाइए और यहां पर लगा लीजिएगा SORT शॉर्ट। सिर्फ शॉर्ट नहीं, नीचे आप देखेंगे तो शॉर्ट बाई मिलेगा। तो शॉर्ट का काम अलग है, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अब इस बार शॉर्ट बाई, ठीक है। करना क्या है, ये पूरा डेटा इस तरीके से सेलेक्ट कर जाना है, आप इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। फिर आपको लगाना है कॉमा, और यहां पर शॉर्ट बाई लगा करके कॉमा लगा करके अब हम क्या करते हैं, वापस से यही रेंज फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये रेंज हमने सेलेक्ट करी है, आप चाहे तो और अधिक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं हम। और ये रख करके अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये तो शॉर्ट हो गया, लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि लेंथ भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। ये शॉर्ट तो कर दे रहा है, ठीक है, शॉर्ट तो ये कर रहा है, ये वापस वही वैल्यू हम लेके आ गए। शॉर्ट करने के लिए आपने देखा मैंने किस तरीके से शॉर्ट किया, यहाँ पे सिंपली आपको सीधा शॉर्ट लगाना है, शॉर्ट बाई, क्या लगाना है, शॉर्ट बाई। और शॉर्ट भी तो यही काम कर देता है, शॉर्ट भी तो शॉर्ट करके दे देता है, पर आप यहां से भी तो शॉर्ट कर सकते हैं, तो शॉर्ट करना कोई बहुत वो नहीं है। फिर इसी रेंज को दोबारा से इस तरीके से सेलेक्ट करिए और ये शॉर्ट बाई का यूज करके भी ये शॉर्ट कर देगा। तो देखिए शॉर्ट कर दे रहा है, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये तो एक तरीका मैंने बता दिया, यहां पर इसको रखिए, दूसरा तरीका देखिए, यहां पर इसको रखिए इस तरीके से सेलेक्ट करिए, ये देखिए ये सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके यहां पर जाइए, शॉर्ट एंड फिल्टर दिया गया A to Z के क्रम में शॉर्ट करना, और यहां से कंटिन्यू विथ करंट सेक्शन और शॉर्ट कर दीजिए। तो जो नाम यहां पर दिख रहे थे आपको, अब चूंकि हमने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट भी ले लिया है, नेम ऑफ स्टूडेंट हमें लेना नहीं है, इतना ही लेना है, ठीक है। तो यहां पे जाइए वापस से शॉर्ट एंड फिल्टर पे, A to Z के क्रम में शॉर्ट कर दीजिए, कंटिन्यू विद करंट सेक्शन। तो जो नाम यहां पे दिख रहे हैं वही नाम यहां पर भी दिखेंगे। तो शॉर्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है, देख सकते हैं ना। अब यहां पर इज इक्वल टू शॉर्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं आप, शॉर्ट लगाया हमने, सीधा इसको सेलेक्ट किया और ये इसी को शॉर्ट करके दे देगा, हमें बंद करेंगे एंटर करेंगे, यही चीज ऐसे भी हो गई। तो अलग अलग तरीकों से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये सुविधा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 में मिल जाती है कई तरीकों से शॉर्ट करने की, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।